माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के परिणाम के साथ आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले जर्जर चिकित्सा ढांचे की स्थिति को सुधारने के लिए पिछले 10 वर्षों में व्यापक कदम उठाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हम किसी व्यक्ति की विकलांगता को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन बातचीत से हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त शक्ति है। विशेष रूप से विकलांगों को दिव्यांग दैवीय शक्ति वाले लोगों के रूप में मानने की उनकी दृष्टि के अनुरूप वाक और श्रवण विकलांगता वाले लोगों की सेवा के लिए कानपुर की सदर तहसील के सुरार गांव में अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान की स्थापना की जा रही है। संस्थान में 4 विभाग होंगे, जैसे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, टेली असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन। इस केंद्र से हर साल 15,000 लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने की उम्मीद है। इस संस्थान ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में 4 साल का स्नातक कार्यक्रम VASLP भी आयोजित करेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग कानपुर से न केवल उत्तर प्रदेश राज्य बल्कि पूरे उत्तर भारत को वाक और श्रवण विकलांगता वाले लोगों के लिए विशेष सेवाएं मिलेंगी। इसका शिलान्यास आज 24 जनवरी 2024 को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा किया जा रहा है।